श्रीमद् भागवतम चतुर्थ स्कंध अध्याय 29 नारद तथा राजा प्राचीन बहरी के मध्य वार्तालाप। राजा प्राचीन बहरी ने उत्तर दिया, हे प्रभु, हम आपके कहे गए राजा पुरंजन के रूपक आख्यान अनयोक्ति का सारांश पूर्ण रूप से नहीं समझ सके। वास्तव में जो आध्यात्मिक ज्ञान में निपुण हैं, वे तो समझ सकते हैं, किंतु हम जैसे सकाम कर्मों में अत्यधिक लिप्त पुरुषों के लिए आपके आख्यान का तात्पर्य समझ पाना अत्यंत कठिन है। नारद मुनि ने कहा, तुम जानो कि पुरंजन रूपी जीव अपने कर्म के अनुसार विभिन्न रूपों में देहांतर करता रहता है, जो एक, दो, तीन, चार या अनेक पांव वाले या पांव विहीन हो सकते हैं। इन विभिन्न प्रकार के रूपों में देहांतर करने वाला जीव तथा कथित भोक्ता के रूप में पुरंजन कहा जाता है। जिस पुरुष को मैंने अविज्ञात कहा है, वह जीव का स्वामी तथा शाश्वत मित्र परमेश्वर है। क्योंकि जीव भगवान को भौतिक नामों, गुणों या कर्मों द्वारा नहीं जान सकते, फलतः वह बद्ध जीव के लिए सदैव अज्ञात रहता है। जब जीव समग्र रूप से प्रकृति के गुणों का भोग करने की इच्छा करता है, तो वह अनेक शारीरिक रूपों में से उस शरीर को चुनता है जिसमें 9 द्वार, 2 हाथ तथा 2 पांव होते हैं। इस प्रकार वह मनुष्य या देवता बनना श्रेयस्कर मानता है। नारद मुनि ने आगे कहा, इस प्रसंग में उल्लिखित प्रमदा शब्द भौतिक बुद्धि या अविद्या के लिए प्रयुक्त है। इसे इसी रूप में समझो। जब मनुष्य ऐसी बुद्धि का आश्रय ग्रहण करता है, तो वह अपने को शरीर समझ बैठता है। मैं तथा मेरी की भौतिक बुद्धि से प्रभावित होकर वह अपनी इंद्रियों से दुख तथा सुख का अनुभव करने लगता है। इस प्रकार जीव बंधन में पड़ जाता है। पांचों ज्ञानेंद्रियां तथा पांचों कर्मेंद्रियां पुरंजनी के नर मित्र हैं। जीव को इन इंद्रियों द्वारा ज्ञान प्राप्त करने तथा कार्य में प्रवृत्त होने में सहायता मिलती है। इंद्रियों के व्यापार उसकी सखियां हैं, और वह सर्प जिसे 5 फनों वाला बताया गया है, 5 प्रकार की क्रियाओं के भीतर कार्यशील प्राण वायु है। 11वां सेवक जो अन्यों का नायक है, मन कहलाता है। वह कर्मेंद्रियों तथा ज्ञानेंद्रियों इन दोनों का नायक है। पंचाल राज्य वह वातावरण है जिसमें 5 इंद्रिय पदार्थों विषयों का भोग किया जाता है। इस पंचाल राज्य के भीतर शरीर रूपी नगरी है जिसमें 9 द्वार छिद्र हैं। आंखें, नथुने तथा कान, इन द्वारों की जोड़ियां एक स्थान पर स्थित हैं। मुंह, शिश्न तथा गुदा भी अन्य द्वार हैं। इन 9 द्वारों वाले शरीर में स्थित होकर जीव
बाह्यतः भौतिक जगत में कार्य करता है और रूप तथा स्वाद जैसे इंद्रिय विषयों का भोग करता है। दो आंखें, दो नथुने तथा मुंह, ये पांचों सामने स्थित हैं। दाहिना कान दक्षिणी द्वार है और बायां कान उत्तरी द्वार। पश्चिम की ओर स्थित दो छिद्र या द्वार गुदा या शिश्न कहलाते हैं। हदियोत तथा आविर्मुखी नाम से जिन दो द्वारों का वर्णन किया गया है, वे एक ही स्थान पर अगल बगल स्थित दो नेत्र हैं। विभ्राजित नामक नगरी को रूप समझना चाहिए। इस प्रकार दोनों नेत्र सदैव विभिन्न प्रकार के रूपों को देखने में व्यस्त रहते हैं। नलिनी तथा नालिनी नामक दो नासा छिद्र नथुने हैं और सुगंध को सौरभ नामक नगरी ही कहा गया है। अवधूत नामक मित्र ग्राणेन्द्रिय है। मुखिया नामक द्वार मुख है और विपण वाक शक्ति है। रसज्ञ ही स्वाद की इंद्रिय जीभ है। आपण नामक नगरी जीभ के बोलने के कार्य की सूचक है और बहुदन तरह तरह के व्यंजनों का सूचक है। दाया कान पितृहू द्वार कहलाता है और बायां कान देवहू द्वार। नारद मुनि ने आगे कहा, दक्षिण पंचाल कही जाने वाली नगरी सकाम कर्म में भोग की विधि अर्थात प्रवृत्ति मार्ग को बताने वाले शास्त्रों की सूचक है। उत्तर पंचाल नामक अन्य नगरी निवृत्ति मार्ग सकाम कर्म को घटाने तथा ज्ञान को बढ़ाने वाला मार्ग बताने वाले शास्त्रों के लिए प्रयुक्त है। जीव को ज्ञान की प्राप्ति दो कानों द्वारा होती है और कुछ लोग पितृ लोक तथा कुछ देव लोक को जाते हैं। यह सब दोनों कानों द्वारा संभव होता है। ग्रामक नामक पुरी जहां निचले आसुरी द्वार शिश्न से पहुंचा जाता है, स्त्री संभोग के लिए है जो उन सामान्य पुरुषों के लिए अत्यंत मोहक है जो निरे मूर्ख एवं दूर्त हैं। जननेन्द्रिय दुर्मद कहलाती है और गुदा निरिति कहलाती है। जब यह कहा जाता है कि पुरंजन वैश्य जाता है तो इसका अर्थ है कि वह नरक जाता है, उसके साथ लुब्धक रहता है जो गुदा नामक कर्मेंद्रिय है। इसके पूर्व मैंने दो अंधे साथियों का भी उल्लेख किया था। इन्हें हाथ तथा पांव समझना चाहिए। जीव हाथ तथा पांव की सहायता से सभी प्रकार की कार्य करता और इधर उधर जाता है। अंतःपुर हृदय का सूचक है। विशुचिन सर्वत्र जाते हुए मन को बताने वाला है। जीव मन के भीतर प्रकृति के गुणों का भोग करता है। ये सारे प्रभाव कभी मोह उत्पन्न करते हैं तो कभी संतोष तथा उल्लास। पहले यह बताया जा चुका है कि रानी मनुष्य की बुद्धि है। सोते समय या जागते हुए बुद्धि विभिन्न परिस्थितियां उत्पन्न करती है। दूषित बुद्धि के कारण जीव कुछ सोचता है और अपनी बुद्धि के कार्य कारणों का केवल अनुकरण करता है। नारद मुनि ने आगे कहा, जिसे मैंने रथ कहा था वह वास्तव में शरीर है। इंद्रियां ही वे घोड़े हैं जो रथ को खींचते हैं। ज्यो ज्यो वर्षानुवर्ष समय बीतता जाता है ये घोड़े बिना किसी अवरोध के दौड़ते हैं।
किंतु वास्तव में वे कोई प्रगति नहीं कर पाते। पाप तथा पुण्य इस रथ के दो पहिए हैं। प्रकृति के तीनों गुण इस रथ की ध्वजाएं हैं। पांच प्रकार के प्राण जीव के बंधन बनते हैं और मन को रस्सी रज्जु माना जाता है। बुद्धि इस रथ का सारथी है। हृदय रथ में बैठने का स्थान है और हर्ष तथा पीड़ा जैसे द्वंद जुए हैं। सातों तत्व धातुएं इस रथ के उहार आवरण हैं। पांचों कर्मेंद्रियां उसकी पांच प्रकार की बाह्य गतियां हैं और अग्यारहों इंद्रियां सैनिक हैं। इंद्रिय सुख में मग्न रहने के कारण रथ पर आसीन जीव झूठी अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए इतराता है और जन्म जन्मांतर तक इंद्रिय सुख के पीछे दौड़ता रहता है। जिसे पहले चंड वेग अर्थात शक्तिशाली काल कहा गया था, वह दिन तथा रात से बना है। जिनके नाम गंधर्व और गंधर्वी हैं, शरीर की आयु दिन तथा रात के बीतने से क्रमशः घटती जाती है। जिनकी संख्या 360 है। जिसे काल कन्या कहा गया है, उसे वृद्धावस्था जरा समझना चाहिए। कोई भी वृद्धावस्था नहीं स्वीकार करना चाहता, किंतु यवन राज जो साक्षात मृत्यु है, जरा वृद्धावस्था को अपनी बहन के रूप में स्वीकार करता है। यवनेश्वर यमराज के अनुचर मृत्यु के सैनिक कहलाते हैं, जो शरीर तथा मन संबंधी विविध कलेश माने जाते हैं। प्रज्वार दो प्रकार के ज्वरों का सूचक है, अत्यधिक ताप तथा अत्यधिक शीत, जैसे टाइफाइड तथा निमोनिया। शरीर के भीतर लेटा हुआ जीव विविध कलेशों द्वारा, जो दैविक भौतिक तथा अपने ही शरीर तथा मन से संबंधित है, विचलित होता रहता है। समस्त प्रकार के कलेशों के होते हुए भी जीव इस संसार को भोगने की इच्छा से अनेका अनेक योजनाओं में बह जाता है। निर्गुण दिव्य होकर भी जीव अपने अज्ञान के कारण अहंकार वश मैं तथा मेरा इन भौतिक कष्टों को स्वीकार करता है। इस प्रकार वह इस शरीर के भीतर 100 वर्षों तक रहता है। जीव की यह प्रकृति है कि उसे अपना अच्छा या बुरा भाग्य चुनने की कुछ कुछ छूट है, किंतु जब वह अपने परम स्वामी भगवान को भुला देता है, तो वह अपने को प्रकृति के गुणों के हवाले कर देता है। इस तरह प्रकृति के गुणों के वशीभूत होकर वह अपने को शरीर मान बैठता है। कभी वह तमोगुण तो कभी रजोगुण और कभी सतोगुण के अधीन होता है। इस प्रकार जीव प्रकृति के गुणों के अधीन रहकर विभिन्न प्रकार के शरीर प्राप्त करता है। जो सतोगुणी हैं, वे वैदिक आदेशों के अनुसार पुण्य कर्म करते हैं और इस तरह वे उच्च लोकों को जाते हैं, जहां देवों का निवास है। जो रजोगुणी हैं, वे मनुष्य लोक में विभिन्न प्रकार के उत्पादक काम करते हैं। इसी प्रकार तमोगुणी पुरुष विभिन्न प्रकार के कष्ट उठाते हैं और पशु जगत में वास करते हैं। भौतिक प्रकृति के तमोगुण से आच्छादित होकर जीवात्मा कभी नर कभी नारी कभी नपुंसक कभी मनुष्य कभी देवता कभी पक्षी
पशु इत्यादि बनता है। इस प्रकार वह इस भौतिक जगत में घूमता रहता है। वह प्रकृति के गुणों के अधीन अपने कर्मों के कारण विभिन्न प्रकार के शरीर स्वीकार करता रहता है। यह जीव ठीक उस कुत्ते के तुल्य है जो भूख से परेशान भोजन पाने के लिए द्वार द्वार जाता है। अपने प्रारब्ध के अनुसार वह कभी दंड पाता है और खदेड़ दिया जाता है, अथवा कभी कभी खाने को थोड़ा भोजन भी पा जाता है। इसी प्रकार जीव भी अनेका अनेक इच्छाओं के वशीभूत होकर अपने भाग्य के अनुसार विभिन्न योनियों में भटकता रहता है। कभी वह उच्च स्थान प्राप्त करता है तो कभी निम्न स्थान, कभी वह स्वर्ग को जाता है, कभी नरक को, तो कभी मध्य लोकों को, और ऐसा चलता रहता है। सारे जीव भाग्य, अन्य जीवों अथवा मन तथा शरीर संबंधी दुखों से छुटकारा पाने का प्रयास करते हैं, तो भी इन नियमों का प्रतिकार करने के प्रयासों के बावजूद वे प्रकृति के नियमों द्वारा बद्ध रहते हैं। मनुष्य भोज को सिर पर लेकर ढो सकता है, और जब यह उसे भारी लगने लगे तो कभी कभी वह भोज को कंधे पर रखकर अपने सिर को विश्राम देता है। इस तरह वह भोज से छुटकारा पाने के लिए प्रयास करता है। फिर भी वह इस भोज से मुक्त होने के लिए चाहे जो भी विधि निकाले, वह उस भोज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर रखने से अधिक और कुछ नहीं कर सकता। नारद ने आगे कहा, हे शुद्ध हृदय पुरुष, कोई भी व्यक्ति कर्मों के फल का निराकरण कृष्ण भक्ति से रहित अन्य कर्म करके नहीं कर सकता। ऐसे सारे कर्म हमारे अज्ञान के कारण हैं। जब हम कोई कष्टप्रद स्वप्न देखते हैं तो हम किसी कष्टप्रद व्यामोह के द्वारा छुटकारा नहीं पा सकते। स्वप्न का निवारण तो जग कर ही किया जा सकता है। इसी प्रकार हमारा भौतिक अस्तित्व हमारे अज्ञान तथा मोह के कारण है। जब तक हम में कृष्ण भक्ति नहीं जग जाती, ऐसे स्वप्नों से छुटकारा नहीं मिल सकता। समस्त समस्याओं को हल कर लेने के लिए हमें कृष्ण चेतना को जागृत करना होगा। कभी कभी हमें इसलिए कष्ट होता है क्योंकि हमें स्वप्न में शेर या सर्प दिख जाता है, किंतु वास्तव में वहां न शेर होता है न सर्प। इस प्रकार हम अपनी सूक्ष्म अवस्था में कोई परिस्थिति उत्पन्न कर लेते हैं और उसके परिणामों को भोगते हैं। इन कष्टों का निवारण तब तक नहीं हो सकता जब तक कि हम अपने स्वप्न से जग नहीं जाते। जीव का वास्तविक हित इसमें है कि वह अविद्या से निकले, जिसके कारण उसे बारंबार जन्म तथा मृत्यु सहनी पड़ती है। इसका एकमात्र निवारण है भगवान के प्रतिनिधि के माध्यम से उनकी ही शरण ग्रहण करना। जब तक मनुष्य भगवान वासुदेव की भक्ति नहीं करता, तब तक वह न तो इस भौतिक जगत से पूर्णतः विरक्त हो सकता है और न अपने असली ज्ञान को ही प्रकट कर सकता है। हे राजऋषि, जो श्रद्धावान है, जो भगवान की महिमा का निरंतर श्रवण करता रहता है, जो सदैव कृष्ण चेतना के अनुशीलन तथा भगवान के
कार्यकलापों को सुनने में लगा रहता है। वह शीघ्र ही भगवान का साक्षात्कार करने के योग्य हो जाता है। हे राजन, जिस स्थान में शुद्ध भक्त विधि विधानों का पालन करते हुए तथा इस प्रकार से नितांत सचेष्ट रहते हुए एवं उत्सुकता पूर्वक भगवान के गुणों का श्रवण एवं कीर्तन करते रहते हैं, उस स्थान में यदि किसी को अमृत के निरंतर प्रवाह को सुनने का अवसर प्राप्त हो तो वह जीवन की आवश्यकताएं भूख तथा प्यास भूल जाएगा और समस्त प्रकार के भय शोक तथा मोह के प्रति निश्चेष्ट हो जाएगा। क्योंकि बद्ध जीव सदैव भूख तथा प्यास जैसी शारीरिक आवश्यकताओं से विचलित होता रहता है, अतः उसे भगवान की अमृत वाणी सुनने का अनुराग उत्पन्न करने के लिए बहुत कम समय मिल पाता है। समस्त प्रजापतियों के पिता परम शक्तिशाली ब्रह्मा जी, शिव, मनु, दक्ष तथा मानव जाति के अन्य शासक, प्रथम कोटि के ब्रह्मचारी सनक, सनातन इत्यादि चारों परम साधु मरीचि, अत्रि, अंगीरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, भृगु तथा वशिष्ठ जैसे महर्षि तथा स्वयं मैं नारद, ये सभी महान ब्राह्मण हैं जो वैदिक साहित्य पर अधिकार पूर्वक बोल सकते हैं। हम सब तप, ध्यान तथा ज्ञान के कारण अत्यंत शक्तिशाली हैं, तो भी भगवान को साक्षात देखते हुए और अन्वेषण करने पर भी हम उनके विषय में पूर्णतः नहीं जानते। अंततः वैदिक ज्ञान के अनुशीलन तथा वैदिक मंत्रों के लक्षणों से विभिन्न देवताओं की पूजा के बावजूद देव पूजा से परम शक्तिशाली भगवान को समझने में कोई सहायता नहीं मिलती। जब मनुष्य पूर्णतः भक्ति में लगा रहता है तो अहेतु की कृपा प्रदर्शित करने वाले भगवान उस पर कृपा करते हैं। ऐसे अवसर पर जागृत भक्त सारे भौतिक कार्यों तथा वेदों में वर्णित अनुष्ठानों को त्याग देता है। हे राजा बरहिष्मान, तुम्हें अज्ञानवश कभी भी वैदिक अनुष्ठानों या सकाम कर्मों को अपनाना नहीं चाहिए, भले ही वे कर्ण प्रिय क्यों न हो अथवा आत्म सिद्धि के लक्ष्य प्रतीत होते हो। तुम्हें चाहिए कि इन्हें कभी भी जीवन का चरम लक्ष्य न समझो। अल्प ज्ञानी मनुष्य वैदिक अनुष्ठानों को ही सब कुछ मान बैठते हैं। उन्हें यह ज्ञान नहीं है कि वेदों का प्रयोजन अपने निजी धाम घर को जानना है, जहां भगवान निवास करते हैं। अपने असली धाम में रुचि न रखकर वे मोहग्रस्त होकर अन्य धामों की खोज करते रहते हैं। हे राजन, सारा संसार कुशों के तीखे अग्रभाग से ढका है और इस कारण तुम्हें अभिमान हो गया है, क्योंकि तुमने यज्ञों में अनेक प्रकार के पशुओं का वध किया है। अपनी मूर्खता वश तुम्हें यह ज्ञात नहीं है कि भगवान को प्रसन्न करने का एकमात्र उपाय भक्ति है। तुम इस तथ्य को नहीं समझ सकते। तुम्हें वे ही कार्य करने चाहिए जिनसे भगवान प्रसन्न हो। हमारी शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि हम कृष्ण चेतना के स्तर तक ऊपर उठ सकें।
भगवान श्री हरि इस संसार के समस्त देहधारी जीवों के परमात्मा तथा प्रदर्शक हैं। वे प्रकृति के समस्त भौतिक कार्यों के परम नियामक हैं। वे हमारे श्रेष्ठ सखा भी हैं। अतः प्रत्येक व्यक्ति को उनके चरण कमलों की शरण ग्रहण करनी चाहिए। ऐसा करने से जीवन कल्याणमय हो जाएगा। जो भक्ति में लगा हुआ है वह इस संसार से रंच मात्र भी नहीं डरता। इसका कारण यह है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान परम आत्मा है और सबके मित्र हैं। जो इस रहस्य को जानता है वही वास्तव में शिक्षित है, और ऐसा शिक्षित व्यक्ति ही संसार का गुरु हो सकता है। जो वस्तुतः प्रामाणिक गुरु अर्थात कृष्ण का प्रतिनिधि है वह कृष्ण से अभिन्न होता है। महर्षि नारद ऋषि ने आगे कहा, हे महापुरुष, तुमने जो कुछ मुझसे पूछा है मैंने उसका समुचित उत्तर दे दिया है। अब एक अन्य आख्यान सुनो जो साधु पुरुषों द्वारा स्वीकृत है और अत्यंत गुह्य है। हे राजा, उस हिरण की खोज करो जो एक सुंदर उद्यान में अपनी हिरणी के साथ घास चरने में मस्त है। वह हिरण अपने कार्य चरने में अत्यधिक अनुरक्त है और उस उद्यान के भौरों के मधुर गुंजार का आनंद ले रहा है। उसकी स्थिति को समझने का प्रयास करो। उसे इसका पता ही नहीं कि उसके सामने भेड़िया है जो अन्यों के मांस को खाकर अपना पेट पालने का आदि है। हिरण के पीछे शिकारी है जो उसे तीक्ष्ण बाणों से भेदने के लिए तैयार है। इस प्रकार हिरण की मृत्यु निश्चित है। हे राजन, स्त्री उस पुष्प के समान है जो प्रारंभ में अत्यंत आकर्षक एवं अंत में अत्यंत घृणा योग्य हो जाता है। जीव कामेच्छाओं के कारण स्त्री के साथ फंसता है और वह उसी प्रकार संभोग सुख प्राप्त करता है जिस प्रकार फूलों की सुगंध का भोग किया जाता है। इस प्रकार वह जिह्वा से लेकर शिश्न तक इंद्रिय तृप्ति का जीवन बिताता है और इस प्रकार जीव अपने को गृहस्थ जीवन में अत्यंत सुखी मानता है। अपनी स्त्री के साथ रहते हुए वह सदैव ऐसे विचारों में मग्न रहता है। वह अपनी पत्नी तथा बच्चों की बातें सुनने में आनंद का अनुभव करता है। ये उन भौरों की मधुर गुंजार के तुल्य होती है जो प्रत्येक फूल से मधु एकत्र करते रहते हैं। वह भूल जाता है कि उसके समक्ष काल खड़ा है जो दिन रात के बीतने के साथ ही उसकी आयु का हरण करता जा रहा है। उसे न तो धीरे धीरे हो रही अपनी आयु क्षय दिखती है और न उसे यमराज की ही परवाह रहती है जो पीछे से उसे मारने का प्रयत्न करते रहते हैं। तुम इसे समझने का प्रयास करो। तुम अत्यंत शोचनीय स्थिति में हो और चारों ओर से संकट से घिरे हो। हे राजन, तुम हिरण की अनुयोक्ति की स्थिति को समझने का प्रयास करो। तुम अपने प्रति पूर्ण सचेत रहो और कर्म के द्वारा स्वर्ग लोक जाने के श्रवण सुख को त्याग दो। गृहस्थ जीवन त्याग दो क्योंकि वह विषय भोगों से
तथा ऐसी वस्तुओं की कथाओं से पूर्ण है। तुम मुक्त पुरुषों की कृपा से भगवान की शरण ग्रहण करो। इस प्रकार से इस संसार के प्रति अपनी आसक्ति का त्याग करो। राजा ने कहा, हे ब्राह्मण, आपने जो कुछ कहा है उसे मैंने अत्यंत मनोयोग से सुना है और सम्यक विचार के पश्चात मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि जिन आचार्यों शिक्षकों ने मुझे कर्म कांड में प्रवृत्त किया वे इस गुह्य ज्ञान को नहीं जानते थे, और यदि वे इससे अवगत थे तो फिर उन्होंने मुझे क्यों नहीं बताया। हे ब्राह्मण, आपके आदेशों तथा मुझे कर्म कांड में प्रवृत्त करने वाले मेरे गुरुओं के उपदेशों में विरोधाभास जान पड़ता है। मैं अब भक्ति, ज्ञान तथा वैराग्य के अंतर को समझ सकता हूँ। मुझे पहले इनके विषय में कुछ संशय थे, किंतु आपने कृपा करके इन संशयों को मिटा दिया है। अब मैं समझ सकता हूँ कि बड़े बड़े ऋषि भी जीवन के वास्तविक उद्देश्य के विषय में कैसे मोहग्रस्त होते हैं। निसंदेह इंद्रिय तृप्ति का कोई सवाल ही नहीं उठता। इस जीवन में जीव जो कुछ भी करता है उसका फल वह अगले जीवन में भोगता है। वेदवादियों का कथन है कि मनुष्य अपने पूर्व कर्मों के फल का भोग करता है, किंतु व्यावहारिक रूप में यह देखा जाता है कि पिछले जन्म में जिस शरीर ने कर्म किया था वह तो नष्ट हो चुका होता है, अतः उस कर्म का भोग एक भिन्न शरीर द्वारा किस प्रकार संभव है। नारद मुनि ने आगे कहा, इस जीवन में जीव स्थूल शरीर में कर्म करता है। यह शरीर मन, बुद्धि तथा अहंकार से निर्मित सूक्ष्म शरीर द्वारा कार्य करने के लिए बाध्य किया जाता है। इस स्थूल शरीर के विनष्ट होने पर भी सूक्ष्म शरीर फल भोगने या कष्ट उठाने के लिए बना रहता है, अतः इससे कोई परिवर्तन नहीं होता। स्वप्न देखते समय जीव अपने वास्तविक शरीर को त्याग देता है और अपने मन तथा बुद्धि के कार्यों से वह दूसरे शरीर में यथा देवता या कुत्ते के शरीर में प्रवेश करता है। इस स्थूल शरीर को त्याग कर जीव इस लोक में अथवा अन्य लोक में किसी पशु या देवता के शरीर में प्रवेश करता है। इस प्रकार वह अपने पिछले जीवन के कर्म फलों को भोगता है। जीव इस देहात्मक बुद्धि के अंतर्गत कार्य करता है कि मैं यह हूं, मैं वह हूं, यह मेरा कर्तव्य है अतः मैं इसे करूंगा। ये सब मानसिक संस्कार हैं और ये सारे कर्म अस्थाई हैं। फिर भी भगवान के अनुग्रह से जीव को अपने समस्त मनोरथ पूरे करने का अवसर प्राप्त होता है, इसलिए उसे दूसरा शरीर प्राप्त होता है। जीव की मानसिक स्थिति को दो प्रकार की इंद्रियों, कर्मेंद्रियों तथा ज्ञानेंद्रियों द्वारा समझा जा सकता है। इसी प्रकार किसी मनुष्य की मानसिक स्थिति से उसके पूर्व जन्म की स्थिति को समझा जा सकता है। कभी कभी हमें ऐसी वस्तु का अचानक अनुभव होता है जिसे हमने इस शरीर में देख या सुनकर कभी अनुभव नहीं किया। कभी कभी हमें ऐसी वस्तुएं अचानक
स्वप्न में दिख जाती हैं। अतः हे राजन, सूक्ष्म मानसिक आवरण वाला यह जीव अपने पूर्व शरीर के कारण सभी प्रकार के विचार तथा प्रतिबिंब विकसित करता रहता है। मेरी बात को तुम निश्चय समझो। जब तक पूर्व शरीर में कोई वस्तु देखी हुई नहीं रहती, तब तक मन के द्वारा उसकी कल्पना करने की संभावना नहीं उठती। हे राजन, तुम्हारा कल्याण हो। यह मन प्रकृति के साहचर्य के अनुसार जीव द्वारा विशेष प्रकार का शरीर धारण करने का कारण है। मनुष्य अपने मानसिक संगठन के अनुसार यह जान सकता है कि पूर्व जन्म में वह कैसा था और भविष्य में वह कैसा शरीर धारण करेगा। इस प्रकार मन भूत, गत तथा भावी शरीरों की सूचना देता है। कभी कभी स्वप्न में हम ऐसी वस्तु देखते हैं जिसको हम इस जीवन में कभी न तो अनुभव किए होते और न सुने होते हैं, किंतु ये सभी घटनाएं विभिन्न कालों, स्थानों तथा परिस्थितियों में अनुभव की गई होती हैं। जीव का मन विभिन्न स्थूल शरीरों में रहा करता है और इंद्रिय तृप्ति के लिए व्यक्ति की इच्छाओं के अनुसार मन विविध विचारों को अंकित करता रहता है। ये मन में विभिन्न मिश्रणों, मेलों के रूप में प्रकट होते हैं। अतः कभी कभी ये प्रतिबिंब ऐसी वस्तुओं के रूप में प्रकट होते हैं जो पहले न तो कभी सुनी गई और न देखी गई होती हैं। कृष्ण चेतना का अर्थ है ऐसी मानसिक दशा में भगवान के साथ निरंतर साहचर्य, जिससे कि भक्त इस दृश्य जगत को वैसा ही देख सके जैसा कि भगवान देख सकते हैं। ऐसा देख पाना सदैव संभव नहीं होता, लेकिन यह राहु नामक अंध ग्रह के समान प्रकट होता है जो पूर्ण चंद्र होने पर ही देखा जाता है। जब तक बुद्धि, मन, इंद्रियों, विषयों तथा भौतिक गुणों के प्रतिफलों से बना हुआ सूक्ष्म भौतिक शरीर रहता है, तब तक मिथ्या अहंकार और स्थूल शरीर भी रह जाते हैं। जब जीव गाढ़ निद्रा, मूर्छा, किसी गंभीर क्षति से उत्पन्न गहन आघात, मृत्यु के समय या प्रखर ज्वर की अवस्था में रहता है, तो प्राण वायु का संचरण रुक जाता है। उस समय जीव आत्मा से शरीर की पहचान करने का ज्ञान खो देता है। जब मनुष्य तरुण होता है तो दसो इंद्रियां तथा मन पूरी तरह दिखाई पड़ते हैं, किंतु माता के गर्भ या बाल्यकाल में इंद्रियां तथा मन उसी तरह ढके रहते हैं जिस तरह अमावस्या की रात्रि के अंधकार से पूर्ण चंद्रमा ढका रहता है। जब जीव स्वप्न देखता है तो वास्तव में इंद्रिय विषय उपस्थित नहीं रहते, किंतु इंद्रिय विषयों के साथ मनुष्य का संपर्क होने से वे प्रकट हो जाते हैं। इसी प्रकार अविकसित इंद्रियों वाले जीव का भौतिक रूप से अस्तित्व समाप्त नहीं हो जाता, भले ही वह इंद्रिय विषयों के संपर्क में न हो। पांच इंद्रिय विषय, पांच कर्मेंद्रियां, पांच ज्ञानेंद्रियां तथा मन, ये 16 भौतिक विस्तार हैं। ये सब जीव के साथ संयोजित रहते हैं और प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा प्रभावित होते हैं। इस प्रकार बद्ध जीव के अस्तित्व को
समझा जाता है। सूक्ष्म शरीर की क्रियाओं से जीव स्थूल शरीरों को विकसित करता और त्यागता रहता है। यह आत्मा का देहांतरण कहलाता है। इस प्रकार आत्मा विभिन्न प्रकार के हर्ष, शोक, भय, सुख तथा दुख का अनुभव करता है। इल्ली कीट विशेष एक पत्ती को छोड़ने के पहले दूसरी पत्ती को पकड़कर एक से दूसरी पत्ती में जाती है। इसी प्रकार जीव को अपना शरीर त्यागने के पूर्व अपने पूर्व कर्म के अनुसार अन्य शरीर को ग्रहण करना होता है। इसका कारण यह है कि मन सभी प्रकार की इच्छाओं का आगार भंडार है। जब तक हम इंद्रिय सुखों का भोग करना चाहते हैं, तब तक हम भौतिक कार्यों की सृष्टि करते रहते हैं। जब जीव भौतिक क्षेत्र में कर्म करता है तो वह इंद्रियों को भोगता है और ऐसा करने से वह भौतिक कर्मों की एक और श्रृंखला को जन्म देता है। इस प्रकार जीवात्मा बद्ध आत्मा के रूप में जकड़ जाता है। तुम्हें यह सदैव जानना चाहिए कि भगवान की इच्छा से ही इस दृश्य जगत की उत्पत्ति, पालन तथा संहार होता है। फलतः इस दृश्य जगत के अंतर्गत सारी वस्तुएं भगवान के अधीन हैं। इस पूर्ण ज्ञान से प्रकाश प्राप्त करने के लिए मनुष्य को सदैव भगवत भक्ति में लगे रहना चाहिए। मैत्रेय ऋषि ने कहा, महान संत तथा परम भक्त नारद ने इस प्रकार राजा प्राचीन बरही के समक्ष भगवान तथा जीव की स्वाभाविक स्थिति की व्याख्या प्रस्तुत की। राजा को आमंत्रित करते हुए नारद मुनि सिद्ध लोक को वापस चले गए। अपने मंत्रियों की उपस्थिति में राज ऋषि प्राचीन बरही ने अपने पुत्रों को नागरिकों की रक्षा करने के लिए आदेश छोड़ा। तब उन्होंने घर छोड़ दिया और तपस्या हेतु कपिलाश्रम नामक तीर्थ स्थान के लिए प्रस्थान किया। कपिलाश्रम में तपस्या करके राजा प्राचीन बरही ने समस्त भौतिक उपाधियों से पूर्ण मुक्ति प्राप्त कर ली। वह भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में निरंतर लगा रहा और गुणात्मक दृष्टि से भगवान के ही समान आध्यात्मिक पद पर पहुंच गया। हे विदुर, जो कोई जीव के आध्यात्मिक अस्तित्व को समझने से संबंध नारद द्वारा कहे गए इस आख्यान को सुनता है या ऐसे अन्यों को सुनाता है, वह देहात्मक बुद्धि की अवधारणा से मुक्त हो जाएगा। नारद मुनि द्वारा उद्बोधित यह आख्यान कथा भगवान की दिव्य ख्याति से पूर्ण है। अतः जब इस आख्यान का वर्णन किया जाता है तो वह इस भौतिक जगत को पवित्र कर देता है। वह जीव के हृदय को पवित्र करता है और उसे आध्यात्मिक स्वरूप प्राप्त करने में सहायक होता है। जो कोई इस दिव्य आख्यान को सुनाता है वह समस्त भौतिक बंधनों से मुक्त हो जाएगा और उसे इस भौतिक जगत में भटकना नहीं पड़ेगा। यहाँ पर अधिकार पूर्वक वर्णित राजा पुरंजन का रूपक मैंने अपने गुरु से सुना था। यह आध्यात्मिक ज्ञान से पूर्ण है। यदि कोई इस रूपक के उद्देश्य को समझ ले तो वह निश्चय ही देहात्मक बुद्धि से छुटकारा पा जाएगा और मृत्यु के पश्चात जीवन को
ठीक से समझ सकेगा। यदि वह आत्मा के देहांतर को ठीक से न समझ पाए तो वह इस आख्यान को पढ़कर उसे अच्छी तरह समझ सकता है। शरीर, स्त्री तथा बच्चों को पालने की इच्छा पशु समाज में भी देखी जाती है। पशुओं में ऐसे व्यापारों की व्यवस्था करते रहने की पूरी बुद्धि होती है। यदि मनुष्य केवल इसी बात में उन्नत हो तो फिर उसमें तथा पशु में क्या अंतर है। मनुष्य को यह भली भांति समझ लेना चाहिए कि विकास प्रक्रम में अनेका अनेक जन्मों के पश्चात यह मानव जीवन प्राप्त होता है। जो बुद्धिमान मनुष्य स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर की देहात्मक बुद्धि को त्याग देता है वह आध्यात्मिक ज्ञान के प्रकाश से परमेश्वर के ही समान प्रधान आत्मा बन जाएगा। यदि जीव का विकास कृष्ण भक्ति में होता है और वह अन्यों पर दयालु होता है, यदि उसका आत्म साक्षात्कार का आध्यात्मिक ज्ञान पूर्ण होता है तो उसे संसार के बंधन से अविलंब मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। काल के अंतर्गत भूत, वर्तमान तथा भविष्य में जो कुछ घटित होता है वह मात्र स्वप्न है। समस्त वैदिक साहित्य का यही रहस्य है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद के अंतर्गत नारद तथा राजा प्राचीन बरही के मध्य वार्तालाप नामक 29वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए।